જે મેનેજમેન્ટ જે જોડાઈ રહ્યા છે વીઆઈપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના ચેરમેન દિલીપ પિરામલ જોડાઈ ચૂક્યા છે. આગળ રિઝલ્ટની ઉપર તો વાત કરીશું, બટ અહીં આગળથી કેવી રીતના રિકવરી દેખાઈ રહી છે પોસ્ટ કોવિડ એના વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. હાય સર, શુક્રિયા મેરે સાથ જુડને કે લિયે. સબસે પહેલે મેં ઓવરઓલ સેન્ટિમેન્ટ કિસ તરીકે સે વર્કઆઉટ કર રહા હૈ ઉસી સે શરૂઆત કરના ચાહ રહી થી. રિકવરી થોડી સ્ટ્રોંગ દિખ રહી હૈ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેવન્યુ ભી એક રોબસ્ટ નંબર્સ હૈ. ઓપરેશનલી ભી હમ લોગ જો આંકડે દેખ રહે હૈ વો કાઇન્ડ ઓફ યે સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટ તો કર રહે હૈ. आउटलुक किस तरीके से बन रहा है पोस्ट कोविड, जो हम लोग ये सिचुएशन देख रहे हैं वो नेक्स्ट कब तक स्टेबलाइज होते हुए आप विटनेस कर रहे हैं, एक आइडिया उसी से शुरुआत करें. ये क्वार्टर कैसा था? आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, हाईलाइट से शुरुआत करें. किस तरीके से ये जो रोबस्ट नंबर से कौन से फैक्टर्स वर्कआउट कर रहे थे? देखिए, हमारा तो जो सारा बिजनेस ट्रैवल पे आधारित है, ट्रैवल और मैरिजेस, पर मेजर तो ट्रैवल ही होता है. और ये गई मतलब 15 महीनों में एकदम हुआ था. अभी जैसे जैसे तो वैसे हमारी एकदम है. और मैरिजेस भी हो रहे हैं अभी, लोग मतलब मीटिंग्स अलाउड हैं थोड़े मीडियम, तो उससे हमारी डिमांड वापस आ रही है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स नेक्स्ट 2-3 quarters के लिए किस तरीके से वर्कआउट होंगे, इस पर मैं आपका एक कमेंट चाह रही थी. क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा है उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट होगा. किस तरीके से प्राइस हाइक्स आप ले रहे हैं वो किस क्वांटम में आता हुआ दिखेगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए FY22 के क्लोजर तक कौन सी बैंड मेंटेन रहेगी? अभी देखिए, ऐसा है कि जो आपने जैसे कहा एकदम ठीक कहा कि काफी प्रेशर है, प्राइसेस का बढ़ रहे हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है. और अभी हमने अभी बस थोड़े दिनों में नक्की करेंगे कितना प्राइस इंक्रीज लेना है, तो इस समय मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ. लेकिन अभी 8-10 दिन में ही, आने वाले 8-10 दिन में ही हम उसका निर्णय लेंगे. और प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है और अभी आशा है कि अभी पीक रीच हो गया है, और लेकिन काफी ऊंचा है और थोड़े बहुत कई चीजों में थोड़े बहुत कम भी हुए हैं दाम, लेकिन ये अभी एक स्थिति है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक आइडिया, क्योंकि डिमांड के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, डिमांड रिवाइवल किस तरीके से आप देख रहे हैं और काइंड ऑफ जो अब अनलॉकिंग थीम ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे हैं, प्लस क्वार्टर थ्री क्योंकि फेस्टिवल सीजन रहेगी, आप मैरिजेस की बात कर रहे हैं, क्वांटम आपका काफी वहां से भी आता है, नेक्स्ट 1-2 months किस तरीके से एडअप होगा? और साथ ही एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपके लिए जो सिचुएशन ग्राउंड पे है वो ज़्यादा काइंड ऑफ ट्रांसलेट कर पाएगी प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर. एक ग्राउंड लेवल सिचुएशन आप मुझे बता पाए अगर. हाँ, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम सीधा है कि जैसे अभी डोमेस्टिक ट्रैवल तो काफी बढ़ गया है, यानी अभी एयरलाइंस भी जो पहले प्री कोविड लेवल्स पे आ गई हैं और उनकी ऑक्यूपेंसी भी पूरी ही है, तो सब जगह भीड़ है और टिकट्स मिलती नहीं है, होटल्स वगैरह भी भरे हुए हैं. सिर्फ बिजनेस ट्रैवल इतना नहीं हो रहा है, लेकिन ऑन द होल ट्रैवल काफी हो रहा है, डोमेस्टिक ट्रैवल तो वो मार्केट को भी पूरा आ गया. अभी विवाहों का, शादियों का भी अभी ऐसे एकदम पूरा तो नहीं खुला है, लेकिन काफी कुछ हो रहा है, खुल गया है, तो उसकी डिमांड भी आ रही है. जो सेगमेंट नहीं अभी खुला है वो इंटरनेशनल ट्रैवल का है, और वो भी बड़ा सेगमेंट होता है, तो वो उसमें बहुत कम रूप से वो खुला है, वो इंटरनेशनल सेगमेंट, तो वो एक कमी है. तो इसलिए लगभग अभी हम प्री पैंडेमिक लेवल्स के 80% पे सेल्स हमारी आ गई है. और ये एक बार खुल जाए इंटरनेशनल ट्रैवल, तो मुझे लगता है कि पहले से भी मतलब काफी वृद्धि होगी सेल्स में.